भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज इस ग्लोबलाइजेशन के युग के अंदर शिक्षा बहुत बढ़ गई है, ज्ञान बहुत बढ़ गया है, ज्ञान असीमित हो गया है। एक इंटरनेट ऐसा माध्यम हो गया है कि जिसको खोलने से पूरे विश्व की सभी विद्याओं का ज्ञान हो गया है। तो केवल ज्ञान होने से, ये मात्र ज्ञान की प्राप्ति होने से हमारी बुद्धि का तो बहुत विकास हुआ है, लेकिन प्रज्ञा का विकास नहीं हुआ है। बुद्धि और प्रज्ञा ये दोनों अलग अलग है, ये इसके बीच में डिमार्केशन लाइन है। जो हमारी बुद्धि है वो बाहर के जगत में कार्य करती है, और कोई व्यक्ति सुधरना चाहता है, रूपांतरण होना चाहता है, अच्छा इंसान बनना चाहता है, उसको प्रज्ञा के जगत में जाना पड़ेगा। तो जो बुद्धि के जगत पे कार्य करता है वह विद्वान कहलाता है, लेकिन जो प्रज्ञा के जगत पर कार्य करता है वह पंडित कहलाता है। पंडित और विद्वान में बहुत अंतर है कि ज्ञान की अति होने से व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, व्यक्ति प्रतिष्ठा एम्बिशियस हो जाता है, हर वक्त सोचता है कि मैं जहां भी बैठूं मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, और वह इतना अहंकार के वसीभूत हो जाता है कि अनैतिक कार्य करने लग जाता है। लेकिन जो प्रज्ञा पुरुष होता है, जो पंडित होता है, उसको कभी अहंकार नहीं आएगा। देखिए भाई और बहनों, दोनों एकदम लाइन पास पास में हैं, लेकिन जो हमारा वर्तमान का जो शिक्षा प्रणाली है, वर्तमान का ज्ञान जो है हमें ज्ञानी बनाती है। तो हम आज ऐसे विषय पर चर्चा करने जाते हैं, जा रहे हैं, जो कि हमारे प्रज्ञा जगत को विकसित करेगी, प्रज्ञा को जागृत करेगी, भावनात्मक स्वास्थ्य। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने होलिस्टिक हेल्थ के लिए 5 तरह के स्वास्थ्य बताए हैं। पहला स्वास्थ्य है हमारा फिजिकल हेल्थ, दूसरा हमारा मेंट फिजिकल हेल्थ में शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा हमारा इमोशनल हेल्थ भावनात्मक स्वास्थ्य जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, चौथा हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य स्पिरिचुअल हेल्थ, और जिसको और पांचवा जो है हमारा सोशल हेल्थ सामाजिक स्वास्थ्य। तो आज हम बात केवल भावनात्मक स्वास्थ्य की बात करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान क्यों सुसाइड कर रहा है। वह तो ज्ञानी है, वो पूरे ज्ञान का गाता है, अच्छा बैरिस्टर है, अच्छा इंजीनियर है, अच्छा डॉक्टर है, और खूब पैसे कमाता है, सब ऐशो आराम की सुविधाएं उसके पास है, लेकिन फिर भी वह क्यों सुसाइड कर रहा है। और आज का सुशिक्षित व्यक्ति अपनी बहन का, यानी दूसरी जो अपनी बहन के समान जो है दूसरी लड़की का क्यों रेप कर रहा है। आज अब अपने समान भाइयों का जो है क्यों हिंसा की जा रही है। आज हम आतंकवाद के माध्यम से पूरे गांव को, पूरे शहर को, पूरे देश को क्यों आतंकित कर रहे हैं, और आज स्लॉटर हाउस के अंदर क्यों कत्लेआम किया जा रहा है। आज अखबार को आप उठा करके देखिए, आप टीवी मीडिया को उठा करके देखेंगे, तो आपको 75% न्यूज ऐसी मिलेगी कि बाप ने बेटी को मार दिया, बेटी ने बहू को मार दिया, सास को मार दिया, और सबने पूरे परिवार ने मिलकर के सुसाइड कर ली, और कंपटीशन का एग्जाम पास होने के बाद भी किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, या पास नहीं हुआ उसने सुसाइड कर लिया, और न जाने कितनी कितनी तरह की ऐसी अजीबो गरीब बातें आज हमें प्रिंट मीडिया में और टीवी मीडिया में सुनने को मिलती है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इंसान इतना विकसित दिमाग वाला है और इस पराकाष्ठा तक गिर सकता है। ये सब क्यों होता है? ये इस विज्ञान के युग के अंदर जब हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, सारा ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन वो ज्ञान हमारे, ऐसा कहा कई बार हमारी कहावत है कि गले के नीचे नहीं उतरा। हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन गले तक रहता है। गले के नीचे उतरने का मतलब है हृदयंगम होना, टू लर्न बाय द हार्ट, जीवन में उतारना। इसलिए कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। प्रज्ञा जगत है, भावनात्मक विकास है, करेक्टर की बात करता है।
भावनक मतलब इमोशनल हेल्थ क्या होती है कि हमारे इमोशंस क्या होते हैं, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, घृणा, मत्सर, अच्छा और दूसरा एक दूसरे की निंदा करना, पर निंदा करना, हिंसा करना, जितने जितने नेगेटिव थॉट्स हैं वो सारे जो है ये इमोशनल में आते हैं, और उस इमोशनल को करेक्शन देने के लिए, उस इमोशंस को हमारे ठीक करने के लिए आज का विषय हमने चुना है। तो इस विषय के अंदर हम इमोशनल हेल्थ को समझेंगे और उसके कारण को समझेंगे और उसके निवारण को समझेंगे। तो हमारी ये क्रोध, मान, माया, लोभ और ये भावना क्यों आती है, इस भावना आने के बहुत से कारण हैं। एक तो कारण ये है कि व्यक्ति में अति लोभ की भावना आ जाती है। व्यक्ति ये चाहता है कि मैं संसार का richest व्यक्ति बनूं।